सो गाइज वेलकम टू द एपिसोड थ्री ऑफ टी टी एस टेक न्यूज लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने कहा कि आप इतनी ज़्यादा टेक न्यूज मत दो थोड़ा सा शॉर्ट करो तो मैं आज से टेक न्यूज थोड़ी छोटी रखूंगा थोड़ी कंसाइज रखूंगा क्रिस्प तो रखूंगा सो so, ज़्यादा बड़ी टेक न्यूज नहीं होने वाल वाली सो so, आज बहुत ही अच्छी अच्छी क्रिस्प न्यूज आपको मिलने वाली है एपिसोड थ्री में सो ही जही एंड दिस इज एपिसोड थ्री ऑफ टी टी एस टेक न्यूज सो लेट्स बिगिन तो so, उससे पहले का मैं आप लोगों को बता दूं कि कल ये वन प्लस एट मेरे पास आ गया और इसका अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया सीरियसली बोल रहा था दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग फोन दैट आई हैव एवर यूज्ड तो बहुत सही है उसकी अनबॉक्सिंग जाकर चेकआउट कर लेना आप लोग ये वीडियो के बाद विद सेट लेट स्टार्ट विद द अदर तो अदर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गूगल से गूगल कोड सूट गई मतलब गूगल को कुछ लोगों ने गूगल पे कंप्लेन डाला है कि आप इनकॉग्निटो मोड में जाने के बाद भी लोगों की एक्टिविटी ट्रैक करते हो तो गूगल कहता है कि आ, वो जो वेबसाइट ओनर है वो लोग ट्रैक करते हैं बिकॉज ऑफ तो द तो तो गूगल एनालिटिक्स टूल जो इनकॉग्निटो मोड होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल डिवाइस में डेटा स्टोर नहीं करता बाकी सर्वर्स पे तो आपके डेटा जाते ही हैं सो ये मत समझो कि अगर आप लोग इनकॉग्निटो चालू कर दिए तो कुछ भी स्टोर नहीं होगा सब कुछ स्टोर होगा डोंट वरी दूसरी न्यूज एप्पल की तरफ से एप्पल है ना मतलब ऑटोमेटेड रोबोट बना रहा ताकि अपने स्मार्टफोन को प्रॉपरली असेंबल कर सके बिना इंसानों के बट उसमें वो कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो स्क्रूज वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना मतलब ज्यादा कहीं टाइट कर दिया रोबोट तो टूट जाएगा पीसीबी वगैरह तो वो सब प्रॉपरली सेंसिटिविटी उसको बराबर मतलब रोबोट सेंसिटिव चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा सो दैट्स द इशू एप्पल इज राइट नाउ फेसिंग सो या सो भाई कुछ साइंटिस्ट लोग ने ह्यूमन हेयर से कार्बन नैनो डॉट्स बना लिए जिससे ओलेट टेक्नोलॉजी के डिस्प्ले मतलब ओलेड डिस्प्लेस को बनाने के लिए ह्यूमन हेयर्स का इस्तेमाल होगा <laughs> वाह अच्छा लग रहा है के उसके बाद अगर मैं बात करूं तो करूज मित्रो या मित्रो की बात क्यों ना की जाए मित्रो ऐप इज बैक ऑन द प्ले स्टोर सो क्या जो बॉश कंपनी है ना अगर आपके मोटरसाइकिल में वो कुछ पार्ट्स फिट किए जाएंगे जिससे अगर आप कहीं गिर गए तो आपके लोकल अथॉरिटीज़ जो हो गया uh, मतलब हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ और आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आपने सेव किया उनको सबको मैसेज चला जाएगा कॉल चला जाएगा तो फटाफट आपकी हेल्प हो जाएगी तो टू तो तो व्हीलर्स के लिए निकाला गया टेक्नोलॉजी दैट वेरी गुड एक्चुअली क्योंकि मैं खुद बाइक चलाता हूँ तो मुझे पर्सनली ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगती है उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो गई ड्रोन डिलीवरी इंडिया में स्टार्ट होने वाली है स्विगी और जोमेटो स्टार्ट करने वाले ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि खाना वीना डिलीवर करेंगे ड्रोन से सोचो सोचो वो दिन आप बालकनी में जाओगे और खाना ले करोगे लेकिन मुंबई में बालकनी कितने लोगों के पास है सिर्फ मतलब बहुत ज़्यादा हो गया तो 20 परसेंट लोग के पास होगी उसके बाद गई जो जियो है उसके अंदर मुबादला इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट किया है 9000 करोड़ रुपीस का सोचो मतलब अभी जियो कुछ तो बड़ा कांड करने वाला है इसके लिए अलग अलग जगह से फंडिंग्स उठा रहा है वो सी कुछ तो मचाने वाला जियो स्मार्टफोन कंपनी लॉन्च कर देना चाहिए यार मजा आ जाएगा सोचो जो गूगल है ना गाइज वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि Android 11 से जो एक्सटर्नल आप इंस्टॉल करते थे ए के वगैरह डाउनलोड करके अपने Android स्मार्टफोन में वो थोड़ा उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला है तो या जो एकदम ओपन स्पेस था ना ओपन इन्वायरमेंट था गूगल का जो एंड्रॉयड में वो सारी चीज़ शायद से हट जाए जैसे आईओएस में एकदम लॉकडाउन एकदम क्लोज एनवायरनमेंट है वैसा कुछ एनवायरनमेंट ना क्रिएट करे गूगल सो आगे बढ़ने से पहले का मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूँ कि फिफ्टी थाउजेंड सब्सक्राइबर होने की खुशी में अपने चैनल पर गिव अवे चल रहा है आप लोग जाकर उसमें पार्टिसिपेट करके आप लोग उसमें एक्साइटिंग गिफ्ट जीतने का मौका पा सकते हो उस वो वीडियो जो फिफ्टी थाउजेंड वाला स्पेशल वीडियो है उसमें एक हज़ार लाइक का टारगेट है जाके वो एक हज़ार लाइक्स कंप्लीट करो इधर वीडियो का लिंक है जाकर देखो और आप लोग पा सकते हो मौका जीतने का एक्साइटिंग गिफ्ट सो या लेट्स कंटिन्यू अगर स्मार्टफोन की कैटेगरी में बात करूँ तो ज़्यादा न्यूज़ इसमें है नहीं लेकिन शाउमी ने एक पेटेंट किया है फोल्डिंग फोन का जो एकदम जो हुआ का फोल्डिंग फ़ोन था ना मेट टेन एस मेट एक्स एस जो था उसके तरह कॉपी एकदम दिख रहा है कुछ भी करता है यार शाउमी <laughs> हद यार। उसके बाद शाओमी का एक और फ़ोन आने वाला है मी सी सी टेन जिसके अंदर बोला जा रहा है कि ट्वेल्व एक्स की ट्वेल्व एक्स की अभी मैं लास्ट न्यूज़ में बोला था एक्स की ज़रूरत नहीं है हमको ज़्यादा जूम करना नहीं है लेकिन ट्वेल्व एक्स की उन लोग ऑप्टिकल जूम देने वाले और वन ट्वेंटी एक्स का डिजिटल जूम देने वाले कितना वन ट्वेंटी एक्स एक सौ बीस गुना जूम कर सकते हो तुम क्यों उसके बाद गाइस एक बहुत ही बुरी खबर यह है कि ये जो आप लोग वॉलपेपर देख रहे हो ना ये वॉलपेपर बहुत सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन को करप्ट कर रहा है मतलब एक्चुअली में इसमें एक पिक्सल है वो थोड़ा सा खराब है और वो पिक्सल के वजह से कुछ तो इशू हो रहा है तो वो लैप मतलब फोन एक लूप में फंस जा रहा है बार 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 वो वॉलपेपर को लोड करने के लूप में ये प्रॉपरली मिस्टर हु बॉस ने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो कि वॉलपेपर किस तरह से एंड्रॉड स्मार्टफोन को क्रैश कर रहा है बहुत सही वीडियो है वो मुझे पसंद लगी तो ये वॉलपेपर आप अपने मोबाइल में मत डालना याद से अगर आपने अपने स्मार्टफोन एंड्रॉयड स्मार्टफोन में डाल दिया तो आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन करप्ट हो जाएगा बंद पड़ जाएगा बेसिकली बूट लूप में फंस जाएगा सो गई ये सारी हो गई स्मार्टफोन की न्यूज़ अभी अगर मैं बात करूँ गैजेट्स की तो यहाँ पर ज़्यादा न्यूज़ नहीं है जो रियल भी है उसने कुछ रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ा अपने वॉच के थ्रू जो कि बहुत ही बकवास वॉच है मेरे को अच्छी नहीं लगी देखने में पहली बात तो बस ये दिक्कत है बाकी वॉच तो है ठीक है गैजेट्स के बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो पी वर्ल्ड की बात करूँ तो एम का जो आर्किटेक्चर है ग्राफिक्स कार्ड का आर डी एन ए टू जो कि बिग नावी के नाम से जाना जाता है तो ये आर्किटेक्चर पे मतलब जो लेटेस्ट पी एस फाइव और एक्सबॉक्स वन एक्स आने वाला था वो आर्किटेक्चर का जी पी यू पहले हमें पी सी में शायद देखने को मिले <laughs> मतलब तो मतलब कौनसोल से पहले पी सी में मिल जाएगा वो आर्किटेक्चर वाला जी पी यू बेसिकली तो वो आर टी एक्स जो है रेट रेसिंग वगैरह जो हुआ करता था एन वी डी का उसका टेक्नोलॉजी उसमें भी आने वाला है सो या वेट फॉर दैट उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो शावी के जो लैपटॉप्स है एम आई नोटबुक होराइजन एडिशन आने वाला मतलब रहे है होराइजन मतलब तो ना चौड़ा एकदम रहेगा होराइजन का मतलब जो आपका सामने जो होराइजन दिखता है तो बेसिकली होराइजन का मतलब यह होगा कि स्क्रीन बहुत ज्यादा बेजल होने वाली है और कंफर्म्ड बात यह है कि टेंथ जनरेशन के इंटरल वाली प्रोसेसर होने वाली जो मोबाइल बेस्ड है तो मोबाइल बेस्ड जो इंटल प्रोसेसर है मतलब जो लैपटॉप में लगती है वो टेन पर बनी हुई है टेन नैनोमीटर पर और टेंथ जनरेशन की आई सेवन बेस्ड प्रोसेसर है तो so, अच्छी बात है अच्छा मतलब उसकी थोड़ी बैटरी लाइफ एफिशिएंट हो गया था बोला जा रहा है कि दस घंटे तक बैटरी लाइफ दे सकती है फोर्टीन इंच का डिस्प्ले होने वाला लेट्स सी ये ग्यारह तारीख को लॉन्च होने वाला है ये मी नोटबुक टेन बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है देखते हैं आने के बाद कुछ हाइप ये हाइपिलीवर कर पाता भी है या नहीं सो so, या ये थी गाइज आज की न्यूज उम्मीद करता हूं कुछ आप लोगों को काम की लगी होगी और गाइज अगर आपके पास कोई फीडबैक है जो मुझे आप देना चाहते हो तो फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इंप्रूव इट बस इतना ही बोलना था थैंक यू सो मच अगर ये वीडियो हेल्पफुल थी लाइक कर दो शेयर कर दो और गाइज अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को दबा सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज बाय